कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे स्कूटी की। स्कूटी जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आजकल हर कोई चाहता है आरामदायक सफर, और स्कूटी से अच्छा क्या हो सकता है। चाहे ट्रैफिक हो या तंग गलियां, स्कूटी हर जगह आसानी से निकल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी स्कूटी खरीदें, पेट्रोल वाली या इलेक्ट्रिक वाली। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो ये लंबे सफर के लिए बेहतर होती है। पेट्रोल स्कूटी की रेंज ज्यादा होती है और इसे कहीं भी आसानी से रिफिल किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं और ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए बेहतर होती है। ये बिना धुएं के चलती है और इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेंज सीमित होती है और इसे चार्ज करने में समय लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी स्कूटी आपके लिए बेहतर रहेगी। सबसे पहले आपको अपनी जरूरतों को समझना होगा। अगर आपका सफर लंबा है और आपको बार बार रिफिल की चिंता नहीं करनी है, तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और आपका सफर छोटा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना होगा। पेट्रोल स्कूटी की कीमतें इलेक्ट्रिक स्कूटी से कम हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में पेट्रोल की लागत ज्यादा हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस और चार्जिंग की लागत कम होती है। अंत में आपको अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर निर्णय लेना होगा। चाहे पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी स्कूटी आपके जीवन को आसान और आरामदायक बनाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सही स्कूटी चुनने में मदद मिलेगी। सुरक्षित रहें और खुशहाल सफर करें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। ये भरोसेमंद होती हैं और हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। इनकी सर्विस करवाना भी आसान होता है। पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल ही जाते हैं, इसलिए हमें चार्जिंग की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे जेब पर काफी असर पड़ता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जगह बना रही है। ये पर्यावरण के लिए अच्छी है क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं होता। इनको चलाना भी काफी आसान होता है और ये पेट्रोल स्कूटी के मुकाबले काफी शांत होती हैं। लेकिन अभी इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है और चार्जिंग के लिए भी हमें थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। पेट्रोल स्कूटी का सबसे बड़ा फायदा है इनकी उपलब्धता और आसान सर्विस। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान है महंगा पेट्रोल और प्रदूषण। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए अच्छी है और चलाने में भी सस्ती है, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होती है और चार्जिंग में समय लगता है। तो आपको अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसला लेना होगा। भारतीय सड़कों की बात ही अलग है। यहाँ की सड़कों पर हर दिन एक नया अनुभव होता है। चाहे वो भीड़ भाड़ हो, गड्ढे हों या फिर धूल मिट्टी, हर चीज का सामना करना पड़ता है। यहाँ ट्रैफिक, गड्ढे और धूल मिट्टी सब कुछ है। भारतीय सड़कों पर स्कूटी चलाना एक कला है, जिसमें धैर्य और कुशलता की आवश्यकता होती है। हर मोड पर एक नई चुनौती होती है और हर दिन एक नया अनुभव। पेट्रोल स्कूटी इन सड़कों पर तो चलती ही आ रही है और इनका एक लंबा इतिहास है। ये स्कूटी भारतीय सड़कों की धड़कन है, जो सालों से लोगों की सवारी का मुख्य साधन रही है। पेट्रोल स्कूटी की मजबूती और विश्वसनीयता ने इन्हें हर भारतीय के दिल में एक खास जगह दी है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अब काफी बेहतर हो गई है। तकनीक के विकास के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी ने भी भारतीय सड़कों पर अपनी जगह बना ली है। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और इनका रखरखाव भी आसान है। इनकी बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। अब ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं और इनकी चार्जिंग भी तेज हो गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की साइलेंट राइड भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी को भारतीय सड़कों पर उसी तरह परफॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत आती है। गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर इनका परफॉर्मेंस कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यह भी सच है कि हर नई तकनीक को समय के साथ सुधार की आवश्यकता होती है। भारतीय सड़कों पर स्कूटी की सवारी एक अनोखा अनुभव है। चाहे वो पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, हर स्कूटी का अपना एक अलग अंदाज है, और यही विविधता भारतीय सड़कों की खूबसूरती है। तो भारतीय सड़कों पर कौन आगे, यह सवाल शायद हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि हर दिन हर सवारी एक नई कहानी लिखती है, और यही भारतीय सड़कों की असली पहचान है। पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
अगर आप रोजाना स्कूटी का इस्तेमाल करती हैं तो पेट्रोल का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने का खर्चा पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी को समय समय पर बदलवाना पड़ता है, जो थोड़ा महंगा होता है। पेट्रोल स्कूटी से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण आज एक बड़ी समस्या बन गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटी से प्रदूषण नहीं होता, इसलिए ये पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प है। अगर हम सब मिलकर थोड़ा प्रयास करें तो हम अपने शहरों को साफ और हरा भरा बना सकते हैं। दोनों तरह की स्कूटी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी और इलेक्ट्रिक स्कूटी दोनों ही अपने अपने तरीके से उपयोगी हैं। यह निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं और आपके लिए कौन सी सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद स्कूटी चाहती हैं तो पेट्रोल स्कूटी एक अच्छा विकल्प है। पेट्रोल स्कूटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबे समय तक चलती है और इसे कहीं भी आसानी से रिफिल किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी की स्पीड और पावर भी अधिक होती है, जो लंबी दूरी के सफर के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचती हैं और रोजाना के खर्चे को कम करना चाहती हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेहतर रहेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती और इसे चार्ज करने में भी कम खर्च आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस भी कम होती है और यह शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे सफर के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है। फैसला आपको अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से लेना होगा। अगर आप एक ऐसी स्कूटी चाहते हैं जो लंबी दूरी के सफर के लिए उपयुक्त हो और जिसे कहीं भी आसानी से रिफिल किया जा सके, तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और रोजाना के खर्चे को कम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए बेहतर रहेगी। अंत में यह निर्णय पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की स्कूटी को अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से चुनते हैं। दोनों ही विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। चाहे आप पेट्रोल स्कूटी चुनें या इलेक्ट्रिक, सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें। हेलमेट पहनना न भूलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। याद रखें, सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, तो निकलिए और अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में जियो।